फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान सिटी का मशावरती इजलास। सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहिर रजाक सिक्का ने इजलास की सदारत की। अंजुमन ताजरान सिटी ने भी 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे, अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान बताइएगा, अंजुमन ताजरान सिटी ने 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का मौजूद हैं, जो कि सदर है तंजीम के। सर बताएं, ये कैसा फैसला है और इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ख़िलाफ़ जो FBR ने एक वैल्यू एडिशन जो टैक्सेशन का निज़ाम किया है कि जो 10,000 रुपये से ले कर 60,000 रुपये तक मुख्तलिफ़ इलाकों में है, वो वैल्यू एडिशन टैग जो है 60,000 रुपये या जितना है वो पर माह है, जो कोई ताजर भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा जो इन्होंने जुल्म किया है वो ये है कि जो ऑलरेडी असेसी हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया है। ताजर दो स्कीम हम नहीं समझते, ये हम समझते हैं ताजर दुश्मन स्कीम। तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा है कि हमारी फैसलाबाद शहर की सारी तंजीमें यहाँ मौजूद हैं और उन सब ने मुत्तफ़िका तौर पे 28 तारीख को बिजली और दीगर टैक्सेस के ख़िलाफ़ FBR के ख़िलाफ़ एक स्ट्राइक की जो है वो कॉल दी है। और इंशाल्लाह ताला ये का जो हुकूमत ने ये स्टेप ना ताजरों के साथ दिया। हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर FBR के हुकाम जो जिस तरह आज से 3 साल पहले वो हमारे साथ 28 की उस वक़्त भी हमने हड़ताल की थी, तो 27 को एतवार को दफ्तर इन्होंने खुला रख के हमारे साथ जो है वो नेगोशिएशन की और हमें SRO का नोटिस दिया। अच्छा अच्छा, ये जो हड़ताल, इसके अलावा आइंदा का क्या लायमल है आपका? आइंदा का लायमल है कि अगर इसके बावजूद वो ना आए तो हम अपना इस हड़ताल के बाद एक पूरा प्रोग्राम देंगे जिसमें हमारी ABCD टीमें होंगी और ये हड़ताल जो अगली होगी वो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए होगी, जब तक हमारे टैक्सेस का SRO ना हो जाए। टैक्सेस का SRO ना हो जाए और IPPs खासतौर पर बिजली के बिलों में जो टैक्सेस का निज़ाम लाया गया उसके खिलाफ ताजरान जो है वो सिरा पे एहतजाज होने जा रहे हैं और 28 अगस्त को अंजुमन ताजरान सिटी की जानिब से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी।